सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कैफ़े को बढ़ावा देने के लिए, उनकी दुकानदारी चलाने के लिए ये बीच में बैरिकेड जो है लगा दिया गया है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ से गुजरते हैं, खुदा ना खास्ता ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो इस हादसे की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके बारे में मुझे नहीं पता भाई, क्यों रखवाया है ये भी रात को रखवा के गए हैं। ये तो सिर्फ छाप पता लग रहा है, क्वालिटी वाले की दुकानदारी है, वहाँ पर इसलिए रखवा दिया ताकि उसकी दुकानदारी प्रभावित ना हो। इसे जो इंचार्ज है उनसे बात करनी पड़ेगी इस बारे में। तो और पानीपत की जनता आपको देख रही है, लोग आपको देख रहे हैं और शहर का सिंगम मान रहे हैं, और इस पर कार्रवाई सिंगम क्या करेगा आज देखने वाली बात होगी, नहीं तो ये होगा कि आपकी इसके साथ सेटिंग है। आप बताओ, जो अच्छा जनता जो चाहे वो ही कर देंगे, हम तो पता करूँगा किसने रखवाया है और इसको फिर हटवाऊँगा। तो हम लोग खड़े हैं आपके पास 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा, और हम ये चीज़ देखेंगे कि इस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती। यहाँ पर पड़ा हुआ था ये पत्थर, और ये पत्थर यहाँ से उठा के सीधा ये कर दिया ताकि इनकी दुकानदारी जो है प्रभावित ना हो। स्क्रीन पर आप क्वालिटी कैफ़े के नाम से विजुअल देख रहे हैं, ये क्वालिटी कैफ़े एक साइड में क्वालिटी के नाम से है और एक इस साइड क्वालिटी के नाम से जो है खोल दिया गया है। वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि इस दुकानदार के लिए इस मेन रास्ते को ही बंद कर दिया गया। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर इस रास्ते को बंद कर दिया गया कि ताकि इन जनाब की दुकानदारी जो है प्रभावित ना हो, क्योंकि जो लोग थे यहाँ से इधर जाते थे और इधर से इधर जाते थे, वहाँ इनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही थी। मतलब कहाँ तक इन साहब के संबंध हैं, पुलिस वाले सामने खड़े रहते हैं और पार्किंग इधर इसको ही बंद कर दिया। देखिए पुलिसकर्मी सामने आ रहे हैं, कितने दिनों से आते जाते हैं लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, बीच में रख कर इसको बंद कर दिया है। ये तस्वीरें जो है लाल बत्ती से देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप लाल बत्ती से देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को फ़ायदा देने के लिए, क्योंकि ये रिंग रोड है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, और सिर्फ क्वालिटी को फ़ायदा देने के लिए और ये कब कर दिया। दूसरी बात यह कि ट्रांसफार्मर साथ में है, साइड में होकर लोग गुजरते हैं और ऊपर से बिजली के ट्रांसफार्मर, ये जीवन और मौत का खतरा जो है यहाँ पर भी जो है बना रहता है। पुलिस 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है, ट्रैफिक पुलिस, और उनकी आंखों के सामने ये काम जो है सिर्फ इन जनाब को फ़ायदा देने के लिए काम जो है यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि आपको एक बार दिखा दें, ये पुरानी मीट मार्केट हुआ करती थी, जो लोग सीधा नहीं जाया करते थे वो यहाँ से होकर, यह कांग्रेस का जो दफ्तर है उसके साइड से जो है यहाँ से होकर निकलते थे, ये गाड़ियाँ जो है यहाँ से निकलती थी और यहाँ ऊपर जाती हैं, और जो टू व्हीलर हैं टू व्हीलर यहाँ से भी निकलते हैं, सर्विस लाइन है ये, और वहाँ से ये जो है बाहर जाती है। सिर्फ सिर्फ क्वालिटी को दिखाने के लिए, क्वालिटी के साथ किसकी सेटिंग है ये अभी हमें पता नहीं है, लेकिन क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए इस रास्ते को बैरिकेड लगाकर, ये पत्थर का बैरिकेड है ताकि इसको उठाए बिना, बैरिकेड को लगाकर इस रास्ते को रोक दिया गया है ताकि इनकी दुकानदारी जो है प्रभावित ना हो। ये देखिए, दो यहाँ पर लगा दिए हैं, तो ये किसकी शह पे हो रहा है ये हमें नहीं पता। सिंगम यहाँ पर पहुँचा है, ज़रा इसकी ईमानदारी देख लेते हैं कि इस मामले में वो क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले विजुअल आपको दिखा दें। ये देखिए, ये मेन जो रास्ता है मीट मार्केट के साथ ये आते हैं, तो यहाँ से लोग गुजर के इस साइड जाते हैं, और ये सर्विस लाइन, और सर्विस लाइन को पूरी तरह जो है बंद कर दिया गया है। एक होटल यहाँ पर बनाया गया है, होटल गुलमार्ग, और एक इसके साथ क्वालिटी है, इसको बंद कर दिया गया है। तो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आज इस जनाब का, इन जनाब का क्या रुख रहता है। जनाब राम राम। सर नमस्कार। ये समझ नहीं आया किसने रखवाया, ये शायद 1.5-2 महीने पहले रखवाया है किसी ने। क्यों रखवाया है, प्रभावित नहीं हो रही ट्रैफिक? इसके बारे में मुझे नहीं पता भाई, क्यों रखवाया है ये भी रात को रखवा के गए हैं, कौन रखवा के गए? ये तो सिर्फ छाप पता लग रहा है, क्वालिटी वाले की दुकानदारी है, वहाँ पर इसलिए रखवा दिया ताकि उसकी दुकानदारी प्रभावित ना हो। इसे जो इंचार्ज है उनसे बात करनी पड़ेगी इस बारे में, तो मेरे नोटिस में नहीं है। आपको भी इंचार्ज की जरूरत पड़ेगी, आप तो तुरंत एक्शन लेते हो। एक तो रोंग साइड का ज़्यादा व्हीकल का प्रॉब्लम है यहाँ, लेकिन फिर ये पूरा अडाना तो गलत है ना। रोंग साइड का है तो यहाँ अडाना चाहिए था, यहाँ बंद करना चाहिए था, आपको पता हो।
वहाँ उड़ा दिया, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर है वहाँ पर हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि मिली भगत के साथ इसको रखा हुआ है ताकि इस आदमी को जो है फायदा मिल सके। और पानीपत की जनता आपको देख रही है, लोग आपको देख रहे हैं और शहर का सिंघम मान रहे हैं, और इस पर कार्रवाई सिंघम क्या करेगा आज देखने वाली बात होगी। नहीं तो ये होगा कि आपकी इसके साथ सेटिंग है। आप बताओ, जो अच्छा जनता जो चाहे वो ही कर देंगे हम तो। ये पिलर क्योंकि इसके बारे में बड़ी शिकायतें आ रही हैं हमारे पास कि सिर्फ क्वालिटी के चक्कर में ये जो है रखा गया है। ये है कि इसको क्रेन उठा के आप उसको रखेंगे तो आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं करेगा। या ये गली बंद करने से फायदा पहुंच सकता है? कुछ कोई फायदा नहीं है। आप ये देखिए, जिस आदमी ने उधर से उधर रश है वो तो इधर से निकलेगा ना। ये तो मेन गली, आप इसको कैसे बंद कर सकते हो? और वो सर्विस लाइन कैसे बंद हो सकती है ये? क्योंकि सर्विस लाइन पे कोई रोंग चले कोई राइट चले, वो तो सर्विस लाइन पे आने जाने का हक है हर किसी को। तो सिर्फ इस आदमी को करने के लिए आप सब ने ये कर दिया, ये काम भी हटा दिया। मैं पता करूँगा किसने रखवाया है और इसको फिर हटवाऊँगा। तो हम लोग खड़े हैं आपके पास 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, और हम ये चीज़ देखेंगे कि इस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती। करेन मंगाओ पे चुटकियों में करेंगे। करेन मैं मंगवा दूँ तो मैं हटा ही दूंगा। तो ये करेन आने दो, छोटी जेसीबी से तो होगा नहीं शायद, ये छोटी जेसीबी से तो होगा नहीं ये। आप एक बार अपने अधिकारियों को फोन करना, वो क्या कह रहे हैं क्यों रखा गया ये। और ये तर्क नहीं है कि यहाँ पे रोंग साइड पर लगा था, रोंग साइड पर तो अभी भी जा रहे हैं। रोंग साइड का कोई तर्क नहीं है, सिर्फ उस आदमी को उसकी दुकानदारी चलाने के लिए काम किया गया। इसको फिर अगर विचार विमर्श करके इसको हटा दूंगा मैं, किसी का ये नहीं है कोई, सब बराबर हमारे लिए। अगर कोई इसमें अगर फायदा नहीं पहुंच रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा तो मैं ज़रूर हटाऊंगा। ये समझे कि मतलब जहां गरीब तबके के लोग हैं वहां तो सिंघम का वो चल जाता है, यहां इसका है तो यहां विचार विमर्श करने की सोच ली कि विचार विमर्श करूंगा तब ये हटूंगा। नहीं पत्थर भारी है ना, ये विचार विमर्श वाली क्या बात होगी। नहीं पत्थर भारी है, मशीन मंगवानी पड़ेगी, क्रेन वैसे जो उठाती है जेसीबी से नहीं हटेगा, जेसीबी से हटता तो अब तक का हटा देता मैं इसको। अच्छा। हाँ कितने घंटे इंतजार किया जाए इस चीज़ के लिए? इसको लाइव देख रहा पानीपत पूरा, ये मतलब पॉजिटिव तो खबरें आपकी बढ़ी गई हैं, अगर इस पे नेगेटिव चलेगी तो फिर सिंघम का जो विश्वास लोगों के ऊपर बना हुआ है वो विश्वास उठ जाएगा। नहीं पहले तो ये मैंने रखवाया नहीं है। आपने नहीं रखवाया, आपके ड्यूटी है कि रास्ते से अतिक्रमण आपने हटाना है। ये अतिक्रमण ही आ गया, ये देख रहे होंगे। हाँ ये तो है। अगर जी इस रास्ते को बंद करने की साजिश चल रही है, अगर रात में ये रखवा दिया इस रास्ते को, बल्कि यहाँ भी रख के दे यहाँ तक, मैं ये तो एकदम सीधे व्हीकल जाते थे ना, सीधा रोड पे चढ़ते थे, ये तो पीछे रखवा दिए मशीन से, वो बड़ी मशीन से होगा, छोटी मशीन से मतलब। ये तो चलो इसलिए लगाया होगा कि बड़े व्हीकल जो है डायरेक्ट ना जाए, ये शायद इसलिए है, शायद इसीलिए। मेरे को तो ये अभी आज ही मिला लग गया सुबह, इसके बारे में तो मुझे किसी नोटिस में ही नहीं मेरे किसने लगवाया ये। तो वो 2 घंटे बाद देखिए, हम 2 घंटे बाद अगर जो खुल जाए तो, अगर करेन मिल गई तो 1 मिनट में हो जाएगा झटका। मतलब ये दबाव तो नहीं आएगा आपके ऊपर, इस चीज़ का दबाव तो नहीं आएगा अभी ये क्यों रखवाया? कोई दबाव नहीं किसी का, कोई दबाव नहीं, दबाव तो मानना ही नहीं ना, दबाव किसी का नहीं मानते। चलो तो तस्वीरें आपसे एक बार फिर से दिखा दें, आपकी दुकानदारी है जी वहाँ पर, आप अखबार बेचते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दुकानदारी तो देखो जी जो चल रही है, लेकिन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ऊपर ट्रांसफार्मर रहा है, 15,000 वोल्ट का करंट जा रहा है, किसी बच्चे के साथ किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है। आपको क्या प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है? आपको क्या लगता है ये सिर्फ क्वालिटी को, सिर्फ दुकानदार को फायदा देने के लिए क्वालिटी बस, और कुछ भी नहीं है ये। पब्लिक को इससे असुविधा ही है, कोई सुविधा नहीं है इससे। ये मानते हैं कि मतलब इनका कहीं ना कहीं दबाव है, पकड़ है प्रशासन के ऊपर? कहीं ना कहीं पकड़ है, बिना पकड़ के तो देखो जी आम पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, आप भी देख रहे हो, आपसे कोई छुपा नहीं हुआ। कई बार प्रशासन अधिकारियों का भी है, लेकिन वो कहते हैं उठवा देंगे करवाएंगे, पर वहीं ढाल के 3 पात। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि आशीष कुमार जो हेड कॉन्स्टेबल हैं इस समय पानीपत के मसीहा बने हुए हैं अतिक्रमण को लेकर, उनके आगे हमने सवाल रखा है, यहीं खड़े थे। सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कैफ़े को बढ़ावा देने के लिए, उनकी दुकानदारी चलाने के लिए ये बीच में बैरिकेड जो है लगा दिया गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से गुजरते हैं,
खुदा ना खास्ता ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो इस हादसे की जिम्मेवारी कौन लेगा? लोग कैसे निकल के जा रहे हैं यहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आशीष कुमार ने भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई करेंगे जब क्रेन आएगी, तो आज हम खबर को प्ले करेंगे और इस खबर का असर भी देखेंगे और आशीष कुमार की ईमानदारी भी देखेंगे कि वो किस ईमानदारी से ये पत्थर जो है हटाएगा, क्योंकि लोगों के ये भी फ़ोन आ रहे थे, कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, फ़ोन आ रहे थे लेकिन उसका प्रमाण जो है देखने के लिए हम लोग खुद यहाँ पर पहुँचे हैं इस पत्थर को उठाने के लिए। न जाने वाइसो पानीपत के पास कितने फ़ोन आए, और आज बाई चांस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सिंघम यहाँ पर खड़ा मिल गया और सिंघम से हमने सवाल किए तो वो कहने लगे कि हमारे पास क्रेन नहीं है, जब क्रेन आएगी तो उसको उठा देंगे। इस खबर पे हम लोग आगे भी नज़र रखेंगे कि क्या रहेगा, लेकिन फ़िलहाल क्वालिटी कैफ़े को एक सिर्फ दुकानदार को उसकी दुकानदारी चलाने के लिए यहाँ पर जो है पत्थर लगाया गया है। किसने लगाया अभी इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन लोग जो है दुखी हो गए। आपको फिर से तस्वीरें दिखा दें कैसे लोग जो है यहाँ पे निकल कर जा रहे हैं सिर्फ क्वालिटी को करने के लिए। अगर ये पत्थर शाम तक हट जाता है, ये पत्थर भी दिखा देंगे कहाँ पर पत्थर पड़ा था, आज से पहले ये नहीं था, ये पत्थर जो है यहाँ पर पड़ा हुआ था ये पत्थर, और ये पत्थर यहाँ से उठा के सीधा ये कर दिया ताकि इनकी दुकानदारी जो है प्रभावित ना हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जो करें, आपसे उम्मीद करें कि 24 घंटे में हो जाएगा काम। मैं तो इसको अगर मेरे को करेन मिल जाती है तो 2 मिनट में ही कर दूंगा। 2 मिनट में कर देंगे तो हम उम्मीद रख करेंगे और इंतज़ार भी करेंगे कि भाई साहब को क्रेन जो है जल्दी मिल जाए और लोगों का रास्ता जो है साफ हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन के ऊपर पैठ बनाने वाले लोगों का पानीपत में दबदबा है, जिसका आप प्रमाण जो है आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।